और गौरीशंकर जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि भगवान राम को भोग लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, लेकिन सिलेंडर तो सस्ता कीजिए, फिर बढ़िया पकौड़े बनेंगे, 56 भोग बनेंगे, फिर हमको भी मजा आएगा, हमारी जेब पे भी असर कम पड़ेगा। आसिफ भाई, भारत देश में कोई ऐसी सरकार का नाम बता दीजिए जो 4 महीने बाद पूरे अपने घोषणा पत्र को लागू कर दी हो। कोई ऐसी सरकार अगर आपके जहन हो तो बता दीजिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, उसके इतर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जो जो बातें कही थी, 50% से ज़्यादा सारी चीज़ें हमारी लागू हो चुकी है 4 महीने में। 3100 में धान खरीदी हो गई, 2 साल का बकाया बोनस मिल गया, 18 लाख गरीब परिवार जिसके हक को इन्होंने मारा था उस सारे मकान बनाने शुरू हो गए। 65,000 ज़्यादा मकान बन चुके हैं, प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके अलावा जो PSC में इन्होंने घोटाला किया था, प्रदेश के युवाओं का हक मारा था, उसकी सीबीआई को जांच सौंपी जा चुकी है। जो जो बातें हमने की थी, 500 सिलेंडर की बात वो भी दे देंगे। अभी सरकार 5 साल की है ना, इनके ऐसा नहीं करेंगे भाई। जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो विकास की है, उसका हमने पैमाना जनता के सामने रखा है, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। खाली आरोप से नहीं होता है, खाली डिबेट में बैठ के गला बजाने से नहीं होता है, प्रमाणित बात होनी चाहिए। हमने जो बात को कहा है, मोदी जी की जो गारंटी है, ये देश की गारंटी, जनता की गारंटी है, उसको अक्षरता पालन हमने किया है। आज एक युवा जब वोट डालने जाता है तो सोचता है कि उसको क्या मिला 5 साल में, हम बताते हैं क्या मिला, सुरक्षा मिला। आज कोई भी देश आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, घर घुस के मारा जाता, नया भारत है ये, हमने विश्वास प्रदेश की जनता को और देश की जनता को दिया है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने देश को बेचा, चाहे शिमला समझौता हो, चाहे कैलाश मानसरोवर समझौता हो। विदेश में जाकर राहुल गांधी जी भारत देश की बदनामी करते हैं, छत्तीसगढ़ के आंदोलन की बात करते हैं, आदिवासियों से मिलने नहीं जाते हसदेव में, अब चुनाव आगे पहुंच जाएंगे वहां पर गमछा फोड़ के।